न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। राजनांदगांव आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर फ्लाई ओवर के नीचे अवैध रूप से खड़ी वाहनों को क्रेन से हटाया। दुर्ग पर्यावरण जागरूकता अभियान, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी की छात्र शाखा पर प्रतिबंध लगाया। तो आइए देखते हैं राजनांदगांव से आई हुई रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। राजनांदगांव आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर फ्लाई ओवर के नीचे अवैध रूप से खड़ी वाहनों को क्रेन से हटाया। आज दिनांक 23 अक्टूबर को यातायात टीम द्वारा आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए महावीर चौक के दोनों ओर फ्लाईओवर के नीचे दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के पार्किंग हेतु अवैध रूप से खड़े वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटाया गया। सभी वाहन चालकों से अपील है कि अपने वाहन निर्धारित स्थल पर ही पार्किंग करें। यातायात व्यवस्था बनाए रखने में यातायात पुलिस का सहयोग करें एवं असुविधा से बचें। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। दुर्ग पर्यावरण जागरूकता अभियान, स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम के लगातार 85वां सप्ताह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम नवागांव में स्वच्छता पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत पर्यावरण प्रेमी प्रभारी प्रचार तोमनलाल देशमुख द्वारा अपने शाला परिसर में पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा एवं स्वच्छ रखने पर स्वच्छ धरा समिति का अंग वस्त्र दास्ताना भेंट कर सम्मानित किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी की छात्रा शाखा पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत लगाया गया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 की धारा 18 की उपधारा की शक्तियों का उपयोग करते हुए बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर सकते हैं, आप इसे टू फ्लाइट भी दे सकते हैं। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नव दृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सके। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नव दृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामटी रोड नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नव दृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद।